अनवर शेख साहब, क्या ये अचानक आपके यहाँ ऑफिस पर आपका एक यहाँ पर बैठने का जो है जगह थी मुमरा बाईपास से लगकर बिल्कुल ये मतलब दरगाह को जाने का जो रोड है उसी से सटा हुआ एरिया है, तो क्यों अचानक ये कार्रवाई की है मनपा ने? कितने बजे आए थे? कौन अधिकारी आए थे? कार्रवाई के दौरान आप यहाँ थे नहीं थे? क्या पूरा माजरा है सर? ऐसा है कि अभी हम लोग जो चार दिन से शानू पठान का जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आंदोलन पर बैठे थे, उसके बाद में अभी कल शाम को जो शानू पठान और धनंजय गोसावी सागर सालोंके और उनके साथ कुछ दो चार लोग आए थे, आए तो मैं दरवाजे पे खड़ा, मैंने गोसावी सबको जॉइन भी किया, मतलब सर कुर्सी तो बोले नहीं नहीं चाहिए, उतने में शानू पठाने लोग आए, दो मिनट तक रुके, लोगों ने कुछ बात की, मुझको ऐसा कुछ लगा, फिर मैं सोचा नहीं ये इतना बड़ा नेता मतलब ऐसा घटिया काम नहीं करेगा, तो मैंने उस बात को नजरअंदाज इग्नोर कर दिया। उसके बाद ये लोग गली में से गए, वापस आए, जाते जाते भी शानू पठान गोसावी लोगों ने अच्छी तरह से इसको गौर से देखा घर को, उसके बाद चले गए। और यही बात अपन खाना खा रहे थे रात में, मैंने आप लोगों से भी कही कि ऐसी बात है। अब उसके बाद में अभी मैं दोपहर में सिर्फ फाटा की तरफ गया होता किसी काम से, तो मुझे बच्चों ने यहाँ से फोन किया कि अंकल आप किधर है, बुलडोजर है आपका घर तोड़ने के लिए, तो मतलब बेटा मैं अब भी आ रहा हूँ, पांच मिनट में आ रहा हूँ, ये बोलते हुए सर मैं यहाँ तक आने तक के गोसावी वगैरह लोग सब जीप में बैठ के जाने लगे, तो मैंने धनंजय गोसावी और सागर सालुंके की जीप के आगे मैं लेट गया। अच्छा। तो मैं तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मतलब रुको सब पत्रकार आ रहे हैं उनको जवाब दो क्या? हाँ। तो हवलदार लोगों ने मुझके चार पांच हवलदार ने उनको पकड़ लिया, उन लोगों ने जीप पीछे लिया, फिर घुमा के ऐसी चल दिए। और यहाँ पर सर आते साथ ही उन लोगों ने भी किसी मतलब एक पांच मिनट का वक्त नहीं दिया कि घर में कुरान शरीफ और कुरान पाक रखा हुआ था, जा नमाज है, और घर के अंदर आयतल कुर्सी का बड़ा फ्रेम लगा था माशाल्लाह, क्या समझे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ आते साथ एक ऐसा मतलब एक ऐसी दुश्मनी निकाली है कि बिना नोटिस दिए बिना मुझको कहे कि भाई आप आ जाओ आपके कुछ घर का सामान है कीमती तो वो निकाल लो, कुछ नहीं है, मेरे घर मौजूदगी में लोगों ने घर पे वो बुलडोजर चढ़ा दिया, और जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहां तक की पूरी चाल बनी है, मेरा अकेले का घर नहीं है, और ये जो जगह है ये उन लोग शायद ये लोगों को गलतफहमी है, ये माल की जमीन है, ये हमारे पूर्व नगर सेवक महिंदर कुमलेकर के जो पिताजी है वसंत राव कुमलेकर उनके नाम पे सात बारह उतारा पे आज भी उनका नाम है, और मैंने ये जगह खरीदी है और मैंने रजिस्ट्री भी की है, ये भी आप लोगों को बता दूं। लेकिन ये जो शानू भाई ने आज जो एक घटिया से हरकत की है तो इनसे उनकी औकात समझ में आती है, और ये समझ में आता है कि ये जो हम लोग इनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके भ्रष्टाचारी के खिलाफ, ये उसका बदला उन्होंने लिया, एक मुझ गरीब से एक छोटे से झोपड़े को तोड़ के जो मैंने मेरी अपनी बूढ़ी माँ के लिए बनाया था, इन्होंने ये किया, और इन लोगों ने ये हमला, ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है ये अनवर कासम शेख के घर पर नहीं हुई है, ये पत्रकारिता पर हुई है, ये हमला पत्रकारिता पर की गई है बदले की भावना से कि पत्रकार को इतना दबा दो, इतना उनको डरा दो, इतना धमका दो कि शानू जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई खड़ा ना हो। शानू पठान गुंडे ही पे उतारू हो गया है, जो पहले वाला गुंडा था आज वही गुंडा बन गया है। अरे शानू सैयद अली भाई का तलवा चाटने वाला, आवाज साहब का जूता ठीक करने वाला, साफ करने वाला, आज तो विरोधी पक्ष नेता बन गया और भ्रष्टाचार करके बैठा है। जब इसके खिलाफ शहर की जनता और पत्रकारों ने आवाज बुलंद की तो उस आवाज को तू जो है दबाना चाहता है, लेकिन ये दबेगा नहीं शानू, तेरा बंगला भी टूटेगा इंशाल्लाह, टूट के रहेगा। सुल्तान भाई कहीं ना कहीं है कि महानगर पालिका की मनमानी नजर नहीं आ रही है कि घर के अंदर पूरा सामान बना है और दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, बिना नोटिस दिया गया, घर के सामान के साथ में पूरे डेमोलिशन किया गया, या देखा जा सकता है कि पलंग है, कबाड़ है, पत्रकार का घर नहीं तोड़ा है, पत्रकारिता पर देश के चौथे स्तंभ पर शानू पठान ने बुलडोजर चलवाया है। नहीं, क्यों नहीं अभी तक तोड़ा गया? अगर अवैध रूप से था, जब परसों अनवर कासिम से धरने पर बैठे इसके खिलाफ मुहिम चलाई तमाम पत्रकारों ने मिलकर के, तब तुमने तोड़ा, ये बदले की भावना से इनका घर तोड़ा, कल मेरे ऊपर FIR दर्ज होगा, तड़ी पार की नोटिस निकलेगी, अहमद नेता को भी तड़ी पार करने की साजिश रची जाएगी, नाज गोलंदाज पर भी FIR दर्ज होगा, ये सब होने वाला है, ये सब करेगा शानू पठान, शहर का सबसे नामचीन गुंडा और लुक्खा। तो क्या शानू पठान इस शहर का मालिक है? मालिक नहीं है, दलाल है।
अहमद भाई ये कार्रवाई हो गई और वो भी विरोध प्रदर्शन धरने के बाद हुई है और अनवर भाई की इस जगह को इस मकान को किसी तरह का कोई डीपीएल फॉलो नहीं किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की एक प्रोसेस होती है, अगर वह अवैध मकान भी है तो उसको एक नोटिस देना चाहिए, उसके कागजात देखने चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो उस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है और डायरेक्ट आकर के तोड़ दिया गया जबकि अनवर भाई यहाँ मौजूद नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? रफीक भाई असल में जो है सारे पत्रकार एक हो गए मोमरा के अंदर। जी जी, ये एक बहुत बड़ा इनको धक्का पहुंचा है। दूसरी बात, हमने हर उसके अंदर जो है आंदोलन के अंदर यही बात बोले कि यहाँ से राष्ट्रवादी का मामला खत्म हो गया है। अब इन लोग जो है इस तरीके की दुश्मनी निकालेंगे रफीक भाई, अभी ये यहाँ तक कि झूठे ये लोग गुना भी दाखिल करेंगे, ये कोई बच नहीं सकता। ये बाकी हमको इसकी लड़ाई लड़ेंगे अभी और इसमें अभी चुप नहीं बैठने वाले। और ये दूसरी बात, ये अनवर भाई का ये टूटा फूटा नहीं है, ये जो है वो है, बाकी ये पत्रकार का ये हमला हुआ है, ये हमला हुआ है, इसका बदला लेंगे। तो क्या पत्रकार आवाज उठाने का? इंशाल्लाह हम उठाएंगे आवाज। और इन लोगों के बंगले और ये जो अनलीगल बिल्डिंग पीछे बनी हुई है लोडवरी, इसको भी तोड़वाएंगे, चालियों को भी तोड़वाएंगे। और अगर नहीं तोड़ेंगे हम लोग जिस ढंग से जाएंगे हम लोग उठेंगे, हमको कोर्ट जाना रहेगा, हम कोर्ट भी जाएंगे। क्या कहेंगे नाज भाभी आप? भाई यूसुफ भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए, उनका बाद में ले रहे सवाल। सबसे पहले तो मेरे सब पत्रकार भाई मेरे आंदोलन पे आए, वो देख के शानू भाई से रहा नहीं गया। तो सबसे उन्होंने पहले मेरा स्पीकर बंद कराए, उसके बाद में मेरा लाउड स्पीकर बंद कराए, उसके बाद में उन्होंने मेरा माइक बंद कराए और वो बोल रहे कि हम लोग बिना परमिशन के बैठे थे। तो शानू भाई को दिखता नहीं है क्या? पुलिस साथ में थी मेरे और वो सुबह में ये बयान ही दे रहे ले और ये बता रहे लोगों को कि हम मेरे सब भाई है, मेरे से गुस्सा है, नाराज है। तो शानू भाई ये बता दीजिए कब हम तुम्हारे साथ थे, ये हमारे को तुम जवाब दो। और उनको अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने नहीं दिया है, शानू भाई ने सबका हक मार के ये लिए। और ये बात ध्यान में रख ले शानू भाई, तुम्हारा बंगला ये तुड़वा के रहूंगी और ये तुम्हारी दूसरी हार है, एक जो तुमने ये चौकी में मेरा स्पीकर बंद करा है और ये तुड़वा है, मैं छोड़ूंगी नहीं। काकी यहाँ पर जो कार्रवाई की गई, जब यहाँ पर कार्रवाई की गई तो उस वक्त आप लोग कहाँ मौजूद थे और इनसे आपको कुछ ये जो आपके पड़ोसी थे उनसे आपको कुछ आपत्ति थी या कुछ कंप्लेन आप प्रभाग समिति में आपने कुछ कंप्लेन उसके बारे में कुछ शिकायत औरतों पर यहाँ पर शौचालय उसके बारे में कुछ शिकायत थी वगैरह? नहीं, नहीं। और प्रभाग समिति में कुछ कंप्लेंट गई थी यहाँ से? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसी कंप्लेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें लोग के और सपोर्ट है, हम लोग सपोर्ट ही हमेशा अच्छा। यहाँ पर जो कार्रवाई हुई तो ये कार्रवाई होना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए आप लोग के हिसाब से। ये कमरा भी एक चाली का एक हिस्सा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि भाई ये एक चाली से लगा हुआ सटा हुआ एक कमरा है, कोई अलग से कमरा तो नहीं था, तो इस पर कार्रवाई की गई वो सही है कि गलत है? नहीं तो गलत था ना, तोड़ना तो गलत। हम लोग अपने काम पर से आ रहे हैं, इधर भी देखकर टूटा है। हाँ सुनल का तो हम लोग देखते हैं। तो जब यहाँ पर जब ये घर तोड़ा गया तो घर लॉक था? हाँ घर घर लॉक था। हम लोग रात में अबे तो हम लोग बोलते हैं अबे।